नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और अभी मैं रिम्स रांची के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बताऊँगा, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और उसका अभी के डेट में क्या ट्रीटमेंट है। मैं रश्मि जायसवाल, स्वागत करती हूँ आप सबों का avianpulse.com के खास शो हमारी सेहत में, जहाँ बात होती है आपके और हमारी सेहत की। आपको पता है हिंदुस्तान में हर साल 17 लाख से भी ज्यादा लोग, ध्यान दीजिएगा, 17 लाख से भी ज्यादा लोग दिल की बीमारियों से मरते हैं। मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ये आंकड़े 2.3 करोड़ तक जा सकते हैं। भारतीय जिनकी उम्र 55 वर्ष से कम है उन्हें दिल की दिक्कतें शुरू हो जाती है, यानी दिल के मामले में हम भारतीय थोड़ा कमजोर हैं। साथ ही साथ अब ये भी देखा गया है कि आजकल युवाओं में दिल की बीमारियां जो है काफी बढ़ रही है, तो चलिए आज बात करते हैं तमाम वो दिल की बीमारियों के बारे में जिनके चलते हमारा दिल खतरे में पड़ जाता है। तो आइए आप जो हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर प्रशांत से और जानते हैं दिल की तमाम बीमारियों के बारे में और उनके इलाज। तो डॉक्टर प्रशांत, आप हमें बताइए कि दिल की वो कौन सी बीमारियां हैं जो उम्र से पहले लोगों को हो रही हैं आजकल। अगर हम दिल की बीमारियों के बारे में बात करें तो ये बेसिकली 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसे। सबसे पहला तो जो सबसे कॉमन है इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरा वाल्वुलर हार्ट डिजीज, तीसरा कार्डियोमायोपैथीज, चौथा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और पांचवा जो कि कुछ लोगों में पाया जाता है कि बिना किसी कारण के कुछ लोगों में दिल की तकलीफ हो जाती है वो। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर, आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में हमें कुछ बताएं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक ऐसी दिल की बीमारी है जिसमें यूजुअली हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाती हैं और वो कोलेस्ट्रॉल कभी भी रप्चर होके आर्टरीज के जो नली, अगर आम लैंग्वेज में अगर बोले तो आर्टरीज में आ जाती हैं, जिससे कि आर्टरीज का सप्लाई है वो रुक जाता है, मांसपेशियों में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और लोगों को सीने में दर्द का अनुभव होता है। इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारणों का अगर डिटेल में जिक्र करें तो इसके अनेक कारण हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जेनेटिक रिस्क फैक्टर, एज और कुछ कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो एक्वायर्ड होते हैं, जैसा लाइफस्टाइल में गड़बड़ी होना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, खान पान की जो डेली रोजमर्रा की आदत है वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो युवाओं को आजकल ग्रसित कर रहा है इस बीमारी से वो है स्मोकिंग और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। इसके इलाज क्या है? सबसे पहले तो इसे डायग्नोसिस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किन्हीं भी पेशेंट को, किसी मरीज को अगर सीने में दर्द हुआ है तो हम पहले ECG करते हैं, ECG में और इको करते हैं। इन दो जांचों में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर सीधे हम एंजियोग्राफी करने पेशेंट को सलाह देते हैं। अगर इन दो जांच में नॉर्मल रिजल्ट आता है और उनको चलने फिरने में, सीने में दर्द होना या सांस फूलने की परेशानी बनी रहती है तो फिर हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रेडमिल टेस्ट TMT की सलाह देते हैं। TMT में अगर पॉजिटिव आता है रिजल्ट तो हम एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं और एंजियोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें हाथ या जांघ की नसों से तार के द्वारा हार्ट की आर्टरीज में हम पहुंचते हैं और एक मटेरियल, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल डालते हैं जो कि रेडियो ओपेक होता है। जिस रास्ते से वो मटेरियल जाता है वो रास्ता हमें क्लियर कट दिखने लगता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हार्ट की आर्टरीज जो होती हैं, 3 आर्टरीज, उनमें ब्लॉकेज है या नहीं, है तो कितना है और कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे फिर हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो एंजियोप्लास्टी और एक ओपन हार्ट सर्जरी। अगर किसी व्यक्ति को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया तो उसके लक्षण, सिम्टम क्या होते हैं? लक्षणों में अगर बात करें तो सीने में दर्द होना सबसे कॉमन लक्षण है और लगभग 75% लोगों को लेफ्ट साइड दर्द होगा या राइट साइड दर्द होगा।
सबसे कॉमन साइड लेफ्ट साइड है, एसोसिएटेड विथ जो पेन है वो लेफ्ट हाथ में या आर्म में रेडिएट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि राइट साइड में दर्द नहीं हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में राइट साइड में भी दर्द होना पाया गया है। तो पहला लक्षण है सीने में दर्द होना, खासकर कुछ एज ग्रुप के बाद और एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर हैं तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है हार्ट अटैक की संभावना की। दूसरा लक्षण है सांस फूलना, अगर चलने पे सांस फूलना या ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलना, साथ में डायबिटीज़ की बीमारी हो तो वो भी एक लक्षण में काउंट होता है। तीसरा है इम्पॉर्टेंट लक्षण पाल्पिटेशन या धड़कन का बढ़ना, और चौथा लक्षण अगर बात करें तो किसी किसी पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है। टाइप ऑफ हार्ट डिजीज के बारे में आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप होता है सर शायद कार्डियोमायोपैथी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। कार्डियोमायोपैथी की अगर बात करें तो इसका लिटरल मीनिंग होता है कि हार्ट की मांसपेशियां जो होती है, जो मसल से हार्ट के, वो कमज़ोर हो जाना। ऑल्दो कार्डियोमायोपैथी की एक दो टाइप ऐसी भी होती है जिसमें हार्ट की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं, जिसके चलते उनको प्रॉब्लम कुछ कुछ आ सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली जो कार्डियोमायोपैथी टर्म यूज़ है वो इस सेंस में यूज़ होता है कि हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होना बहुत सारे कारणों से हो सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इसका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। जैसे किसी पेशेंट को अगर कभी हार्ट अटैक आया हो तो मांसपेशियों, जैसे हमने डिस्कस किया कि मांसपेशियों का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और एक टाइम पीरियड होता है 6 घंटा 8 घंटा, उस पीरियड के बाद वो मसल्स डेड होने लगते हैं, और जो डेड हो जाते हैं मसल वो बाद में फिर वो कमज़ोर, वो अपने मसल के कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हार्ट का जो पंपिंग है वो कम हो जाता है और हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये तो पहला कारण हो गया। कुछ कुछ और रिवर्सिबल कारण है, जैसे अल्कोहल और कुछ कुछ दवाइयों के सेवन से भी हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। और जो चौथा है वो ये है कि 50% केसेस में बिना किसी कारण के भी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसे बोलते हैं जेनेटिक बेसिस, मतलब जैसे आप जीन्स हैं, कुछ जीन में ऑल्ट्रेशन के कारण भी हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और यही कारण है मांसपेशियों का कमज़ोर होना। कार्डियोमायोपैथीज की बात करें तो एक कार्डियोमायोपैथीज इस टाइप के भी होते हैं जिसमें हार्ट की मांसपेशियाँ मोटी हो जाती हैं और उसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। इसके लक्षण प्रॉपर क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं जो लोगों में दिखाई देते हैं? मांसपेशियों के कमज़ोर होने की वजह से सबसे कॉमन सिम्टम सांस फूलना है, चलने फिरने पे सांस फूलना। दूसरा पैर हाथ पैरों में सूजन होना या पेट में सूजन होना, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण और एक हो सकता है जो कि धड़कन का बढ़ना। तो पैर हाथ या शरीर में सूजन होना, सांस फूलना और धड़कन का बढ़ना मांसपेशियों के कमज़ोर होने की वजह से हो सकता है। ये क्या प्रॉपर कोई एज ग्रुप जैसे कि युवाओं में ज़्यादा होता है या 40 साल के बाद के व्यक्तियों में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है क्या? एज ग्रुप क्लियर कट कैटेगराइज तो नहीं किया गया है, बट युवाओं में ये थोड़ा कम होता है और आफ्टर 40-50 एज ग्रुप के बाद ये ज़्यादा होता है। अगर हम जेनेटिक कारण अगर उसका बेसिस हो तो युवाओं में हो सकता है, बट अगर वो हार्ट अटैक के बाद हुआ हो तो ओल्ड एज पेशेंट्स में ही ये होता है। इसके इलाज क्या है? इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पहला फर्स्ट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे आपके हाथ पैर में सूजन है तो हम पेशाब कराने के लिए एक दवा देते हैं जिससे सूजन कम हो जाता है और शरीर में जो पानी जम रहा है उसकी परेशानी कम हो जाती है, जिससे हार्ट पे लोड कम हो जाता है और हार्ट प्रॉपरली अपना फंक्शन करता है। अगर हम डेफिनेट ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ कुछ ECG एको में क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम एक पेसमेकर के टाइप का डिवाइस होता है जिसे CRT बोलते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। उस डिवाइस को लगाने के बाद कुछ उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे ECG, इको और पेशेंट के कंडीशन को देख के डिसाइड किया जाता है कि CRT लगाने के बाद उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं। ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स में CRT लगाने के बाद फ़ायदा देखा गया है। और थर्ड ऑप्शन है कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, जैसे अगर चूँकि हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो कुछ कुछ सेंटर्स में पूरे हार्ट को बदल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हार्ट की बीमारियों की ओर, जो है वाल्वुलर हार्ट डिजीज, इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये क्या है, इसके लक्षण क्या है और इलाज क्या है? वाल्वुलर हार्ट डिजीज में यूजुअली या तो वाल्व में सिकुड़न आ जाती है या वाल्व में लीक हो जाता है। ये बीमारी यूजुअली 5 से 10-15 साल के एज ग्रुप में स्टार्ट होता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि घुटनों में या नीचे पैर के जॉइंट्स में पेन होने और सूजन होने के साथ स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो पहुंच के नेक्स्ट
5 साल 10 साल 15 साल में हार्ट के वाल्व्स को वो धीरे धीरे करके डैमेज करता है अगर सही समय पे उसका देखा नहीं गया हो, ट्रीटमेंट ना हुआ हो। तो वाल्व को डैमेज करने के बाद का एज ग्रुप लगभग 20 से 25 साल की एज में वो सिम्टम्स शुरू होता है। और अगर इनके लक्षणों के बारे में बात करें तो धड़कन का बढ़ना, सांस फूलना, ये दो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। वाल्व में सिकुड़न होने की वजह से सही अमाउंट में ब्लड पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कम काम करने पे भी थकावट का महसूस होना, ये सिम्टम भी महसूस हो सकता है। सर एक चीज़ इसके बारे में है जानकारी मुझे, जहाँ तक ये 5 से 15 साल के बच्चों के बीच ज़्यादा होता है कहा जाता है, लेकिन इसका पता 30 से 40 का जब बच्चा उम्र मतलब व्यक्ति उम्र का होता है उसमें चलता है, तो इसके क्या कारण होते हैं कि उस उम्र में नहीं पता चल के ये ज़्यादा उम्र में पता चलता है? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि स्टार्टिंग फेज में वो बस जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, तो लोगों को लगता है कि वो तो जॉइंट का घुटनों का दर्द है, किसी आसपास कुछ पेन किलर लेके या दवा खा के वो अपने घुटनों का दर्द ठीक कर लेते हैं। बट कभी कभी जो अगर इस बीमारी के चलते वो घुटनों में दर्द होगा तो वो घुटनों का दर्द तो ठीक हो जाता है नेक्स्ट 1 महीने 2 महीने में, बट धीरे धीरे वो बीमारी हार्ट के बैक्टीरिया हार्ट के वाल से पहुँच जाती है और अपना धीरे 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 नुकसान पहुँचाती है। और नुकसान पहुँचाने का प्रोसेस इतना स्लो होता है कि उसका लक्षण आने में नेक्स्ट 10 से 15 साल लग जाता है। तो उसके चलते सिम्टम अगर लोगों को तकलीफ जब आएगी तभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो तकलीफ आने में उतना टाइम लग जाता है जिसके चलते पता लेट से चलता है। तो इसके इलाज क्या होते हैं? अगर सही समय पर डायग्नोसिस हो जाए तो इंजेक्शन एक आती है जो कि 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के अंतराल पर लिया जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कंडीशन है, किस एज ग्रुप में आया है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन एक आता है, वो लिया जाता है। दूसरा, सही समय पे अगर जब आपको जॉइंट पेन है उस समय ही आप अगर डायग्नोस हो गया हो तो उसका भी ट्रीटमेंट है, उस समय ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देने से बीमारी उतनी बढ़ती नहीं है। सर अब हार्ट के कुछ जन्मजात बीमारियों के बारे में बताएं, इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है? हार्ट के जो जन्मजात बीमारियां होती हैं उसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। उसमें दिल में छेद रह सकता है या किसी वाल्व में सिकुड़न भी रह सकता है। दिल में छेद की बात करें तो दो टाइप के दिल में छेदों को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक जिसमें कि बच्चे का कलर पिंक ही रहता है और दूसरी टाइप वैसा जिसमें बच्चे का कलर नीला पड़ जाता है। तो उन दोनों का अलग अलग लक्षण है और अलग अलग उसके ट्रीटमेंट्स हैं। दिल में जो एसाइनेटिक हार्ट डिजीज़ दैट मीन्स जिसमें बच्चे के शरीर का कलर नीला नहीं पड़ता है, उसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। इसमें एक चैम्बर का ब्लड दूसरे चैम्बर में मिलता है और लंग्स में ज़्यादा ब्लड पहुँचता है, जिसके चलते बच्चों में कम एज में बार बार सर्दी खांसी का होना या दूध पीते समय पसीना का ज़्यादा आना, चूँकि बच्चों में सांस फूलने की समस्या वो बता नहीं पाएंगे, तो बच्चों में जब वो मिल्क सकिंग का जो प्रोसेस होता है उस समय उन्हें ज़्यादा पसीना आएगा, वो एक प्रकार का लक्षण है जिससे ये पता चलता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो उन बीमारियों में यही दो सिम्टम ज़्यादा कॉमन होते हैं। और अगर डायग्नोसिस हो जाए तो फिर उसके इलाज भी संभव है, सुई के माध्यम से भी डिवाइस क्लोजर किया जाता है या फिर जिनका छेद बड़ा हो तो ओपन हार्ट सर्जरी भी किया जाता है उनके लिए। दूसरी टाइप की बीमारी होती है जिसमें बच्चे के शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है, उसमें सुई के माध्यम से इलाज संभव नहीं होता है, उसमें यूजुअली ओपन हार्ट सर्जरी ही करनी पड़ती है। और उसमें बच्चों जब बच्चे रोएंगे तो ज़्यादा शरीर का ज़्यादा रंग नीला हो जाएगा, बार बार बच्चे रोएंगे, ये सारे लक्षण उसके कॉमन लक्षण हैं। वो ज़्यादा खतरनाक बीमारी है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एसाइनेटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो उसको सही समय पे देखना माँ बाप का ये है कि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो तो सही समय पे ध्यान देना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और कंसल्टेंट जो भी रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं उस डिपार्टमेंट के उनसे जाके मिलना। ये जानना चाहूंगी, आपने जितने तरह की बीमारियों के बारे में बताया तो लिम्स में क्या उसका इलाज सब संभव है? सारी तरह की बीमारियां के जितने भी मशीनें और हार्ट से लेकर जितनी भी समस्याएं अगर लिम्स में लेकर लोग आते हैं तो उन सभी चीजों का इलाज लिम्स में संभव है, मशीनें सभी चीज उपलब्ध है, और क्या कॉस्टिंग आता है ये भी जानना चाहूंगी। जहां तक रिम्स में इलाज की बात है, रिम्स में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 10 सालों से रन कर रहा है और 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। डेली बहुत पेशेंट्स रेगुलरली हमेशा 5 मिनट 10 मिनट के अंतराल पे पेशेंट्स कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट में आते हैं, उनको सही समय पर अटेंड किया जाता है और लोग खुश होकर जाते हैं।
ऑलमोस्ट 90% बीमारियाँ ऐसी हैं जिसका इलाज संभव है और यहाँ पे इलाज हो भी रहा है और आगे भी होता रहेगा। हम जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं हम अपना डिवोशन से पेशेंट्स को देखते हैं और जो भी हमारे तरफ से मैक्सिमम अफोर्ड हो सकता है या मैक्सिमम सहायता हो सकती है मरीज को बीमारी के रिस्पेक्ट में हम वो करते हैं। इन बीमारियों के कारण और इनके इलाज कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये दिक्कतें हैं तो बहुत काम आएगी। और हाँ, अगर आज का हमारा ये शो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।